बाय सेल रेंट प्रॉपर्टीज एट propnation.co.in। आज का वीडियो कंटिन्यूएशन है हमारे वीडियो के जो कि हमने GYC यानी कि गौर यूनिवर्सिटी पर किया था, उसी का ये कंटिन्यूएशन है। और अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जो यहाँ पर गैलेरिया यानी कि जो मार्केट बनी हुई है वो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आज हम यहाँ पर आपको ओपन स्पेस जो गौर यूनिवर्सिटी में है, मतलब जो किस तरह से ये डेवलप हो रहा है वो आप सारा देखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर एक विला देखेंगे, जिस तरह का विला अगर आप गौर से कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो किस तरह का विला आपको डिलीवर किया जाता है वो आपको हम दिखाएंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पर यमुना लेक बनी हुई है वो लेक भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी सारी जानकारी गौर यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो के देखने के बाद में मिल जाएगी। अभी आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर ये यहाँ पर गॉड्स इंटरनेशनल स्कूल की बिल्डिंग है। और यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर जो है वो लैंड ही अवेलेबल है, यानी कि प्लॉट्स ही आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो ये जो पोर्शन आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर कमर्शियल डेवलपमेंट ज़्यादा है। और ये सामने भगवान श्री कृष्ण की एक काफ़ी बड़ी सी मूर्ति स्थापित की जा चुकी है और इसका फाइनल टच इसको दिए जा रहे हैं। और यहाँ से ये रेजिडेंशियल जोन स्टार्ट हो जाता है। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स बनाकर दिए गए हैं और इस तरफ आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल जाएंगे। काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पर शिफ्ट भी हो चुकी हैं, हाई राइज अपार्टमेंट में भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं वहाँ पर भी काफ़ी फैमिलीज़ शिफ्ट हो चुकी हैं। तो यदि ये आपके कम्यूट में फिट बैठती है जगह तो रहने के लिहाज से ये काफ़ी बढ़िया जगह है। यहाँ पर आपको ये जो आप सामने वाला सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे आउटडोर गेम्स मिल जाएंगे। ये पूरा स्टेडियम का एरिया है, यहाँ पर आपको मल्टीपल आउटडोर गेम्स मिल जाएंगे जिसमें क्रिकेट भी शामिल है, बैडमिंटन भी शामिल है और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और हम इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए इस पोजीशन में रोकेंगे, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इन द मीन टाइम हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो यमुना लेक बनी हुई है वो हम आपको दिखाएंगे। ये हम यमुना लेक पर आ चुके हैं अभी। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी ग्रीन है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी दूर में फैली हुई ये रिंग टाइप के शेप में एक लेक मिल जाती है जो आपके लिविंग एक्सपीरियंस को डेफिनेटली 4 चांद लगा देगी। यहां पर रहते हुए आप नेचर के काफी करीब महसूस करेंगे, काफी अच्छे से ये पूरा एरिया बनाया गया है और उतने ही अच्छे तरीके से इसको मेंटेन भी किया जा रहा है। यहां पर आपको सिटिंग एरियाज भी बनाकर दिए गए हैं और वो सामने आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट हाउसेस और विलास बने हुए हैं। अभी हम ये लेक आपको इस तरफ से दिखा रहे हैं और फिर हम अंदर वाली साइड जो ग्रीन है उस तरफ भी जाएंगे।
काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पर ये लाइट्स लगाई गई हैं। अब हम आ चुके हैं ग्रीन वाले पोर्शन में। यहाँ पर आपको कई जगहों पर किड्स प्ले एरिया बनाकर दिए गए हैं और काफ़ी बड़ा सा दूर दूर तक फैला हुआ ये ग्रीन एरिया आपकी आंखों को बहुत ही सुकून देता है। प्लांटेशन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से किया गया है और लैंडस्केपिंग बहुत ही अच्छी इसकी की गई है। इस एरिया को काफ़ी अच्छे से लैंडस्केप किया गया है। आपको यहाँ पर माउंट्स मिलते हैं, काफ़ी सारे ट्रीज हैं यहाँ पर और लेक तो है ही ऑब्वियसली। इमेजिन कीजिए कि जो लोग सामने विला में रहते हैं उनके लिए कितने अच्छे व्यूज यहां से आते हैं। और मल्टीपल जगहों पर यहाँ पर आपको फाउंटेन भी लगा कर दिए गए हैं जिसमें से एक अभी आप अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। और हम वापस आ चुके हैं वही स्टेडियम वाले एरिया पर जहाँ पर हमने इस वीडियो को एक तरह से विराम दिया था। और यहां से हम चलेंगे 32nd पार्क व्यू वाले एरिया में जहां पर हम आपको दिखाएंगे एक विला जो गॉड द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक यूनिट ऐसी ज़रूर दिखाएंगे जो डिलीवरी वाली कंडीशन है। ये कोई सैम्पल विला नहीं है, ये एक एक्चुअल विला है जिस तरह का विला आपको डिलीवर किया जाता है। और इसके पास में ही ये काफ़ी बड़ा सा ग्रीन एरिया ऑलरेडी डेवलप्ड किया गया है और यहाँ पर सभी जगहों पर आपको ग्रीन स्पेस काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। ये हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर। और आइए अब चलते हैं इस विला की तरफ। ये बना हुआ है 210 स्क्वायर यार्ड साइज के प्लॉट पर। यहां पर आपको एक छोटा सा ग्रीन एरिया मिल जाता है एंट्री पर। इसी तरह से आपको फॉल सीलिंग मिल जाएगी। ये यहां पर मिलने वाला ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया है।
यहां पर आपको मिल जाएगी किचन, जिसमें अंदर ही आपको रेफ्रिजरेटर का स्पेस भी मिलेगा और साथ में मिल जाएगी ये अटैच्ड स्पेस, जिसको कि आप बैक यार्ड कह सकते हैं। किचन के साथ में आपको ये छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। ये सीढ़ियां फर्स्ट फ्लोर के लिए, और जो डोर आप सामने देख रहे हैं ये एक वॉशरूम है जो कि कॉमन एरिया से भी एक्सेस किया जा सकता है, और इस बेडरूम के साथ में भी ये अटैच्ड है। ये वॉशरूम का एक्सेस, ये मेन एंट्रेंस ऑफ द विला, ये कॉमन एरिया से एक्सेस है बट अभी ये लॉक्ड है। एक बेडरूम आपको इस तरफ मिलने वाला है, इसके साथ में भी आपको एक वॉशरूम मिल जाएगा। और यहां से आपको बैकयार्ड का व्यू आप देख सकते हैं, साथ ही मिल जाएगा एक वार्डरोब का स्पेस भी। आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। रूम साइजेस यहां पर काफी बड़े बड़े हैं बट डाइमेंशंस अनफॉर्चुनेटली अनअवेलेबल हैं। ये एक बेडरूम आपको मिल जाता है, यहां पर आपको एक बालकनी मिल जाएगी, साथ में मिलेगा एक वार्डरोब का स्पेस, और इस तरफ मिल जाएगा अटैच्ड वॉशरूम। ये बालकनी और कुछ इस तरह की सराउंडिंग्स हैं यहां पर। एक बेडरूम आपको यहां पर मिल जाएगा, और साथ ही मिलेगी काफी स्पेशियस बालकनी जो कि फ्रंट साइड में ओपन होगी। ये इसके साथ में अटैच्ड वॉशरूम, ये इसका ड्रेसिंग एरिया है, एक नजर डाल लेते हैं इस बालकनी पर। बल्कि बालकनी से ज्यादा इसको हम टेरेस एरिया कहें तो ज्यादा बेटर है। एक बालकनी आपको इस तरफ मिल जाती है, ये दूसरा बेडरूम है, यानी कि इस फ्लोर पर ये थर्ड बेडरूम आप देख रहे हैं। इसके साथ में आपको ड्रेसिंग एरिया और एक अटैच्ड वॉशरूम मिल जाएगा। अब हम चलेंगे सेकेंड फ्लोर पर इस यूनिट के।
यहां पर भी आपको एक बेडरूम मिल जाता है। जिसके साथ में एक बालकनी आपको मिलने वाली है। एक अटैच्ड वॉशरूम मिल जाएगा आपको। ये काफी बड़ा सा टेरेस एरिया, यहां से जो व्यूज है वो काफी अमेजिंग है। काफी सारे विलाज यहां पर ऑलरेडी बन चुके हैं, जिनमें काफी सारी फैमिलीज शिफ्ट भी हो चुकी हैं। और इस तरह से आपको रोड के बीच में जो डिवाइडर है वो ग्रीन, पूरा ग्रीन बेल्ट के साथ में मिल जाएगा। ये फ्रंट साइड का एक बेडरूम, ये बैक साइड का बेडरूम है। इसके साथ में आपको एक ड्रेसिंग एरिया और अटैच्ड वॉशरूम मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। यदि चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और प्रॉपर्टीज के जानकारी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट propnation.co.in को आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Take care. Bye-bye.